अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू बी न्यूज़ हेडलाइंस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर है और कोई भी अनपढ़ यानी मतलब जो पढ़े लिखे कम है और जिनकी सोचने की समझने की सलाहियत कम है वो इस वीडियो को ना ही देखे तो मेरे ख्याल से बेहतर है। चाहे मेरे व्यूज़ कम ही हो या लाइक्स कम ही हो लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो समझते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वही लोग मेरी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन होने वाली है और थोड़ी सी नॉलेज वाली है, तो आप लोग ध्यान दें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पर मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाते रहता हूँ, आपने देखा होगा कभी कभी मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन लाते रहे हैं, लेकिन आज की ये वीडियो जो है स्पेशली ग्राम पंचायत ब्लॉक के ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत के ऊपर है। दोस्तों, साल 2021 और 22 यानी जो आने वाली साल है और जो अभी चल रही है, इन दोनों साल में क्या क्या काम होने हैं उत्तर दिनाजपुर में, खास करके अगर एक ब्लॉक की बात की जाए और क्या क्या काम हो चुका है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। डब्ल्यू बी न्यूज़ हेडलाइंस और टीम ऑलवेज विथ यू ने बड़ी कमाल की रिपोर्ट जांच के पड़ताल करके निकाली है। टीम ऑलवेज विथ यू ने एक रिपोर्ट निकाली है उत्तर दिनाजपुर खास करके चाकुलिया ब्लॉक से। अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ईयर में और क्या क्या काम होने हैं, देख सकते हैं जो कलर हैं वहाँ पर देख सकते हैं, और इन सारे स्कीम्स हैं ये सारे, और इन सारों की स्कीम्स के बारे में मैं बताऊँगा मौजूद इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्कीम्स मौजूद हैं, आपको शायद स्क्रीन में दिख रही बनी। 6 स्कीम मौजूद है। इन 6 स्कीमों में अगर बात की जाए सिर्फ वाटर ट्रैकिंग और रोड्स की, तो काफ़ी सारे पैसे खर्च किए गए हैं यहाँ पर इसके, सिर्फ वाटर ट्रैकिंग और रोडवेज के अमाउंट देख सकते हैं खासतौर पर अगर बात की जाए तो, देखिए, और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इस रोडवेज की, तो ये पैसे अगर इतने पैसे किसी दूसरी जगह पर खर्च किए जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें खर्च क्यों कर रहे हैं, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मैंने काम दिखाए हैं आपको, यहाँ पर अगर बात की जाए तो वाटर ड्रिंकिंग वाटर जिन जो कि एक नाला बनाया जाता है गांव में बस्तियों में बीच बीच से निकाली जाती है और उसके ज़रिए से पानी को बाहर किया जाता है। कहीं पर ज़रूरी नहीं था कि इन नालों को हर जगह पर बनाया जाए, लेकिन कुछ कुछ जगह पर इस तरीके से बना दिए हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और नाले को बनाए भी इस तरीके से है कोई डायरेक्शन कोई फील्यू कहाँ पर क्या देना है इस सब का कुछ लेन देन है ही नहीं, बस पैसे खर्च करके इसको बनाने हैं। मेरे ख्याल से ये गलत रहा है, ये काम अगर करना ही था तो सही से करना चाहिए था। इसके अलावा बात आ जाती है रोड्स पर, रोड्स काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, PMGYA, इसके अलावा PCC रोड्स, इसके अलावा और भी हाई रोड हाईवे वगैरह रोड, तो खासतौर पर अगर PCC की बात की जाए कई कई जगहों पर ऐसे ऐसे PCC बनाए हैं जहां PCC की ज़रूरत है, लेकिन वहां पर इस तरीके से PCC को बनाकर छोड़ दिए हैं कि साल 1 से 4 से 5 महीने तक चलता है, इसके अलावा डुबा देता है। एक रिपोर्ट है PCC की मेरे पास, ये खासतौर पर अगर चाकुलिया ब्लॉक की बात की जाए तो ये ग्वालपोखर 2 की रिपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास, इसमें काफ़ी सारे आपको कुछ समझ में आएगा इस रिपोर्ट से। ये टीम ऑलवेज विथ यू ने इस रिपोर्ट को निकाली है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन से स्कीम में कितना पैसा कहाँ कब निकाला गया है। ये साल 2021-22 का है, साल 2021-22 का ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो है पैसे कितने निकाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये रिपोर्ट है, कोई भी इस रिपोर्ट को झुठला नहीं सकता क्योंकि ये RTI करके निकाला गया है, मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ग्राम पंचायत में कौन से GP में कौन से बस्ती में कितना रोड बनाया गया है, कितना काम हुआ है, और सबकी अमाउंट इधर लिखी हुई है, कितना पैसा उठाया गया है साल 2021 और 22 के, मतलब कि समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। एक तरीके से अगर वार्ड पंचायत मेंबर की बात की जाए तो पंचायत मेंबर भी काफ़ी सारे पैसे को दबा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर दिनाजपुर की रिपोर्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पैसे, कितने सारे पैसे खाए गए हैं, कितने उठाए गए हैं, कौन से स्कीम में और कब लिए गए हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट है। ये एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए छोटी मोटी सी कुछ चंद पेजेस लाया हूँ, सिर्फ मेन मकसद जो है वो बताऊँगा अभी। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँगा, इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर में खासतौर पर बात की जाए तो कितना काम हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स हैं
ये रिपोर्ट्स डब्ल्यूबी न्यूज़ हेडलाइंस और टीम ऑलवेज विथ यू की टीम ऑलवेज विथ यू ने काफ़ी मेहनत से कई हफ्तों से निकाली है, और जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके पैसे को किस तरीके खाते हैं, किस तरीके से आपके पैसे को डुबा देते हैं। आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमारे पैसे उनके पास गए कैसे, तो मैं कहना चाहूँगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंडिया में है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमारे सारे टैक्स जमा की जाती है और उन्हीं टैक्स को हमें वापसी दिया जाता है। जिस तरीके से रोड बनाकर कहीं पर लाइट लगाकर कहीं पर हमें बिजली बिल देकर कहीं पर पानी का देकर इस तरीके से हमें फैसिलिटीज दी जाती है और वो टैक्स काट के हमें वहाँ से दिया जाता है। मतलब समझ सकते हैं, अगर हम 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये की अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें से 18 रुपये सरकार ले लेती है हमारी, और वही 18 रुपये सोचिए 10,000 रुपये में हमारे कितने कटेंगे। इसी तरीके से अगर 100 रुपये में 18 रुपये कटते हैं तो 10,000 में हमारे कितने सारे कटते हैं, लाखों में तो कितने कटते होंगे। तो इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे टैक्स काट कर और वही पैसा हमें वापस देती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर पंचायत के मेंबर हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पर और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है नेता लोगों को गाली देते हैं, एमपी विधायक और इन लोगों को गाली देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि असल फ्रॉड करते हैं आपके पंचायत के मेंबर, क्योंकि उन लोगों का काम ही ये होता है कि वो जो करना है वो करे। लेकिन पंचायत के मेंबर क्या करते हैं, पैसे तो उतने निकाल लेते हैं जितना मैंने आपको बताया कि इतने रुपए इस स्कीम का इतना रुपए है। देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लैंड इन कॉमन लैंड ऑफ चिकनी एफपी स्कूल, यहाँ पर देख सकते हैं 318,000 रुपये निकाले गए हैं। अब 318,000 रुपये का कहाँ पर क्या काम हुआ है आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। अगर आपको देखना भी है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको बताऊंगा कि कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक और भी दे दूँ, लैंड डेफ इन कमन लैंड ऑफ उत्तर बसंतपुर एफपी स्कूल, यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी रिपोर्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद 318,000 रुपये यहाँ पर भी निकाले गए हैं। ये होती है मैन रिपोर्ट्स, कोई भी इस रिपोर्ट को झुठला नहीं सकता। टीम ऑलवेज विथ यू ने इसको काफ़ी सर्च करके रिसर्च करके निकाली है। तो 318,000 रुपये इसी तरीके से काफ़ी सारे जगहों पर, काफ़ी सारे बस्ती पे, ये सिर्फ ग्वालपोहटू और शाहपुर टू की ग्राम पंचायत की जो रिपोर्ट है ऑलवेज विथ यू ने निकाली है। अगर आप चाहे तो आपकी भी ग्राम पंचायत की निकाल सकते हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं। तो ये पैसे इस तरीके से दबा दिए जाते हैं, हालांकि 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख 4 लाख का खर्च नहीं होता। इसी तरीके से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप नीचे व्हाट्सअप पर लिखिए जीपी रिपोर्ट्स, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जीपी रिपोर्ट व्हाट्सअप में जाएगा, व्हाट्सअप में जाकर आपको लिख देना है जीपी रिपोर्ट्स और आपके जीपी का नाम लिख देना है, रिपोर्ट्स आपके घर तक आपके व्हाट्सअप पर पहुँच जाएगी। बहरहाल बात रही इन रिपोर्ट्स की, तो इन रिपोर्ट्स में जो मेन पॉइंट था वो मेन पॉइंट ये था कि इन रिपोर्ट्स में जो पैसे दिखाए गए हैं वो वाकई में सच है, और वाकई में ये इंसान जो आम जनता है, जनरल पब्लिक है, आम जनता, ये उन्हीं के पैसे हैं। तो उनको आवाज़ देना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI करनी चाहिए। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सरकार जब भी कोई भी स्कीम लाती है और उस स्कीम के बारे में हमें पता नहीं होता है कि मतलब इस स्कीम में कितने पैसे खर्च हुए और इस स्कीम को कहां से कहां तक लाया गया था, कब लाया गया था। अगर आपको ग्राम पंचायत के मेंबर, जीपी के मेंबर आपको वार्ड मेंबर नहीं बताते हैं आपके, तो आपको चाहिए कि आप RTI करें, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन करें, आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द से मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद यही था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको, ये साल 2021 और 22 की रिपोर्ट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन रिपोर्ट्स में मैंने काफ़ी सारे, हमारी टीम ने जो काफ़ी सारी मेहनत की है, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ऐसे फ्रॉड काम करने से बचें, बल्कि अपने आप को सतर्क करें और राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए खड़े हो। मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको खड़ा होना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपका हक मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप टीम ऑलवेज विथ यू से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पर GP रिपोर्ट्स लिखिए और हमारी टीम से जुड़िए। तो फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। इस पूरी वीडियो में आपने क्या समझा कि कितने वार्ड मेंबर क्या क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं, और 5 साल में तो ये काफ़ी करोड़पति बन सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपने इस पूरी वीडियो में क्या समझा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।